हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं वरुणा मातरी मंदिर। तो वडोदरा से हमको बुलेट पे आने में 15 मिनट लगे हैं, तो बड़ोड़ा के एकदम पास ही है। ये देखिए, दूर से मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो यहाँ से ही सारा नज़ारा। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, धूप है। और ये देखिए, उधर कार का पार्किंग भी है। और अब चलते हैं मंदिर की ओर। पहले तो चप्पल उतार देते हैं नीचे इधर। अब इसके चढ़ते हैं। छोटे 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 आदि फीट के हैं स्टेयर केस, तो इसके ऊपर चलते हैं। ये देखिए, चलिए दर्शन करते हैं यहाँ। ये देखिए, इधर से ही देखते हैं, क्योंकि अंदर शायद प्रोहिबिटेड हो। ये त्रिमंदिर में देखिए, अंदर दर्शन करके आ गए हैं। वहाँ फोटो खींचना मना था, फोटो तो खींचे, वीडियो उतारना मना था। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ ऊपर से। आज संडे का दिन है, तो काफ़ी बड़ा गार्डन भी है, अच्छा खासा माहौल होता है, शांति भी है। शहर से बाहर है, बड़ोड़ा से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर होगा। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, कबूतर उड़ के जा रहे हैं। और ये देखिए इधर ऑल ओवर व्यू। ये इस तरह से देखिए पैसेज है, काफ़ी बड़ा है, एकदम पीसफुल एरिया है। तो आप एक तरह से पिकनिक स्पॉट भी है। ये देखिए, वहाँ भी बहुत बड़ा ग्रुप आया हुआ है। वो देखिए, पूरा ग्रुप ही आया हुआ है। और लंच डिनर दोनों का अरेंजमेंट होता है, और एकदम मामूली दाम में ही है। शायद गई बार तो हमने लिया था 80-90 कुछ था, आपकी देखते हैं डिनर में। और सिंपल चीज़ होती है, पर हाइजीन का ध्यान रखते हैं, तो खाने पीने की भी मज़ा आ जाती है। और अभी आगे की तरफ चलते हैं। आगे का भी देखिए, ये इधर ऊपर से यहाँ ये हाइट से मैं ले रही हूँ ये नीचे का नज़ारा। और ये देखिए हाईवे है, मेन हाईवे। यहाँ देखिए सब लोग दर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए मंदिर के गुम्बज की छटा। और चलिए अभी अब थोड़ी देर इधर भी बैठ जाते हैं। ये देखिए, हमारी सामने कंसारी आंटी जो पंचवटी में रहती थी, तो आज रहती है बड़ोड़ा में ये, पर मिलना कम होता है। तो आज देखिए हम यहाँ वरुणा मातरी मंदिर में मिल गए हैं, और ये आंटी इन लोगों के साथ घूमने आई है। तो बस एंजॉय कर रहे हैं, आज आंटी को देख के इतनी खुशी हुई। तो बस कैसे हो? बस अच्छा लगा। हमने कभी कितना दिन पियो? अच्छा, फर्स्ट बार आई क्या? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं तो ये ऐसे तो बहुत बढ़िया प्लेस है आंटी। आप लोगों का तो ग्रुप ऐसे बना के आया करो बीच बीच में। ये इधर देखिए, छोटे बच्चों के लिए ये
और ये देखिए इसमें बच्चों के साथ बूढ़े लोग भी चांस ले लेते हैं। ये देखिए इधर भीड़ भाड़, यहाँ से देखिए अब मंदिर, और ये इधर देखिए लिफ्ट है, ये देखिए लोग इधर, આપણે જમવાની કુપન અત્યારે મળશે, પછી નાસ્તાના ટોકન માટે લાઈનમાં આવો સવારનું। દેખે યા લંચ 80 રૂપિયા ઓર સાંજ કા ભોજન ભી 80 રૂપિયા। कैसे कैसे आपको मिलेगा ये देखिए, इस तरह से इधर भी है स्वीट के एक्स्ट्रा 30 रुपीज़ वो दरी, और ये भोजन का जो समय है भोजनशाला 12 से लेकर रात को 7 से 8। हाँ ले देखिए पूरा इडली, इसके अंदर हम लोग आ गए हैं, तो यहाँ पे लाइन लगी है, और इसके बाद यहाँ भोजन टोकन हमने ले लिया है खाने का डिनर के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से खाना बनाया हुआ उतने टोकन बेचेंगे। और उसके बाद और ये देखिए आपको टोकन दिया जाएगा, आपका ऑर्डर आ जाएगा तो वो माइक में अनाउंस करेगा। और ये देखिए देख रहे हैं हमने इधर क्या क्या है, ये सब चीज़ें हैं रास्ता है, और यहाँ 7 बजे एंट्री होती है उदरी भोजना भोजन सारा, और यहाँ हाथ धोने के लिए चाहने का पानी यहाँ आगे जाते हैं। सब बैठे हुए हैं, कोई नाश्ता ले रहा है, कोई चाय वाय ले रहा है, कि अब चलते हैं गार्डन में। पहुंच गए हैं गार्डन में, और ये अभी हम अब की बार आए हैं सेकंड टाइम, तो थोड़ा फैमिलियर हो गए हैं, तो थोड़ा और भी अच्छा लग रहा है। और आरती वहाँ लगातार आरती और धूम चालू है, और ये इधर गार्डन, ये गार्डन में से भी देख लीजिए मंदिर की ध्वजा, वहाँ कबूतर बैठे हैं, और ये इधर देखिए रहने का भी इंतजाम है, और ये देखिए इस तरह से गार्डन में थोड़ी बहुत सीटिंग अरेंजमेंट भी है, तो खाने पीने के पास ही ज़्यादा भीड़ है। आज संडे है, कूपन तो हमने ले ली है, चलिए अब थोड़ी देर बैठ के शांति का अनुभव करते हैं। ये देखिए अभी बैठे हैं भैया इस तरह से नीचे, यहाँ गार्डन में नहीं, थोड़ा अभी बैठे बैठे बस जगह ही चेंज कर रहे हैं, पहले बैठे थे सामने, अभी आ गए हैं ये देखिए पैर पे, फिर कभी जाके बैठ जाएंगे नीचे। अभी थोड़ी देर माहौल अच्छा है, आज ठंडक भी है, कल बरोड़ा में रात को बारिश भी हुई थी, तो आज भी काफ़ी ठंडक है। ये देखिए अब मंदिर बढ़िया, अभी शाम के हो रहे हैं 7:15, और ये देखिए गार्डन का त्रिमंदिर का माहौल, तो ये ऑल ओवर देखिए, वहाँ देखिए इटली स्टॉल है, तो वहाँ ज़्यादा भीड़ है,
आज संडे है तो देखिए गार्डन में बैठने वाले भी गार्डन में बैठे हैं। और ये देखिए मंदिर का घूमट है। चलिए भैया डिनर हो गया है शुरू, तो उठते हैं और देखते हैं जल पास तो हमने ले लिया है पहले से ही और अब लग जाते हैं क्यू में क्योंकि पौने सात बजे यार थोड़ा माहौल ज़्यादा ठंडा हो रहा है, ठंड लग रही है। ये वर्णावती मंदिर में डिनर के टाइम में ये भोजन का है और किसने एक्स्ट्रा स्वीट ली है तो एक्स्ट्रा स्वीट में गुलाब जामुन है और श्रीखंड है और यहीं से स्टार्ट होता है। ये सब स्टाफ है और ये देखिए गर्मा गर्म पूड़िया है और आज है छोले। चलाइन बताओ ना, चलाइन बताओ। ये देखिए बढ़िया से छोले हैं और ये कटोरिया कड़ी, ये अंकल जी कड़ी दे रहे हैं और ये इधर राइस और ये इधर सूप है और ये देखिए लोग अपने बैठे हैं, टेबल सारे भर चुके हैं और इस तरफ अचार है और ये सेम काउंटर इधर भी लगा हुआ है और आगे ये देखिए और आगे इधर छाछ भी मिल रही है तो हम छाछ भी पी लेते हैं। वही अंकल जी दे रहे हैं छाछ, छाछ चल काका छाछ हाँ। तो ये देखिए बढ़िया सी छाछ पूरा, ये टंकी भर के तो एंजॉय करते हैं छाछ। ये अभी हम लोग आ गए हैं डिनर के लिए तो देखिए और इसके अंदर है ये चने की सब्जी है और ये सेम पापड़ी जो बोलते हैं वो है और ये कड़ी है, चावल है अभी मैंने लिए नहीं है बाद में लूँगी, अचार है और ये पूरी है और ये देखिए स्वीट डिश के एक्स्ट्रा ऐसे 80 रुपीज़ थाली, कोई बुरा नहीं है। स्वीट के एक्स्ट्रा है 30 रुपीज़। तो ये देखिए इसमें श्रीखंड है, ये हमारे हस्बैंड जी खा रहे हैं, बस एंजॉय करते हैं अपना बढ़िया सा डिनर। ये देखिए यहाँ का माहौल, ये बढ़िया सा डिनर कर लिया, लास्ट में छाछ भी मज़ा आ गया और ये बज रहे हैं अभी तो देख लेते हैं 7:15 ही हो रहे हैं, हमारा डिनर भी हो गया और ऑलरेडी हमारा भी यही टाइम है घर का। और ये देखिए अभी शाम के टाइम मंदिर की मज़ा कैसे बढ़िया सी लहरा रही है और ये देखिए हस्बैंड भी आगे आगे भाग रहे हैं और अब थोड़ा थोड़ी देर बैठ के फिर निकलते हैं। और अब ये मंदिर में से हम लोग निकल के जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ तो पार्किंग में, क्योंकि ये है मेन हाईवे पे तो हाईवे है भैया तो थोड़ा हिसाब ऐसे ही रखते हैं कि टाइम से घर पहुंच जाए। बेटा भी अभी आ गया होगा घर पे, वो आ गया था पिक्चर देखने, निकल रहे थे। ये देखिए मंदिर का माहौल, देखिए रात का टाइम में कितना बढ़िया सा जगमगा रहा है। वर्णा माँ का त्रिमंदिर शाम के टाइम इतना बढ़िया लग रहा है। और निकल रहे हैं बाहर की तरफ। ये देखिए इधर ये बैटरी वाली गाड़ी भी है तो जो बूढ़े हैं अपाइज हैं उन लोगों के लिए भी फ्री सर्विस है। निकल रहे हैं तो ये अंकल जी भी कुछ बैठे हैं लास्ट में नहीं सुन पुस्तक। चलो ये देखिए अंकल जी ने बुक दी है आत्मसंभारणा। और ये वर्णामा त्रिमंदिर की मुलाकात लेके हम निकल रहे हैं घर की तरफ।
रवानगी।